लेकिन उसके पहले अब मैं सीधे हरीश खुराना जी के पास जाते हुए, हरीश खुराना जी, दरअसल बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से इस्तीफा दिया या कांग्रेस पार्टी के लोग जिस तरह से छोड़ते हुए चले जा रहे हैं उसके पीछे बीजेपी की, माफ कीजिएगा, के के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के के शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ये लोग, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे में, जो चिट्ठी उनकी ओर से लिखी गई है वो तो बीजेपी का माइंडसेट है, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि ये तो वास्तव में कांग्रेस का अंतर्कलह है और उस अंतर्कलह में हमारा कुछ बोलना बहुत उपयोगी स्थिति नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने डिबेट में बुलाया है और ये विषय रखा है तो मैं जरूर बोलूंगा। लेकिन एक कमेंट्स मैं अलग करना चाहता हूं, जो अभी मैंने डिबेट के ऊपर देखी, जिस तरह का व्यवहार मैं देख रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता का और जो भाषा देख रहा था, निश्चित तौर से इससे एक बात तो साबित है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के चाटुकारों का जो शब्द संस्कार है, भाषा संस्कार है, ये उसका परिचय दे रहे थे। और ये चाटुकारों की भाषा ही हो सकती है कि इस तरह से अपने नेता के यदि विषय पर कोई बात आ जाए उस संगठन पे तो इस तरह की भाषा बोलते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन ये क्यों हो रहा है, मैं जो समझता हूं संगठन और जितना मैं एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में जानता हूं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब नेतृत्व की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है और कार्य कुशलता पर उसके जो है प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगते हैं तो ऐसी ही परिस्थितियां होती हैं और ऐसी ही चीजें जो है फिर संगठन बिखरता है। और खासकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले की प्राचीर से जो बात बोली थी, जिसका उल्लेख पहले भी करते रहे, कि वंशवादी और परिवारवादी पार्टियों का हश्र यही होगा, इसी तरफ बिखर जाएंगे, क्योंकि वहां एक परिवार की चाटुकारिता करनी पड़ रही है। और इसका उदाहरण केवल कांग्रेस नहीं है, इसका उदाहरण समाजवादी पार्टी भी देख लीजिए आप। एक परिवार की पार्टी ने क्या आज स्थिति है, शिवपाल चले गए, आजम चले गए, आजम खान, बड़े बड़े उनके नेता और अमर सिंह सब अब बिखर गए। ऐसे ही कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, उसको बिखरने में थोड़ा समय, लेकिन ये कितने गुस्से बिखर रहा है। मैं आपको एक संख्या बताता हूं, 2014 के चुनाव के बाद इनके 28 कैबिनेट और राज्य मंत्री जो यूपीए सरकार में थे वो पार्टी छोड़ के गए, इनके 7 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के गए, आप कैप्टन अमरिंदर, गुलाम साहब नबी साहब को यदि जोड़ लें तो ऐसी स्थिति क्यों, दिग्गज नेता इनके छोड़ के गए। इसका एक उदाहरण मात्र दिया एक पत्र में, मैं उसका उल्लेख कर देता हूं जो नबी साहब ने लिखी, गुलाम नबी साहब ने, उन्होंने कहा 2013 में जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी कैबिनेट ने जो एक अध्यादेश जारी किया उसे सरेआम जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के, उसी समय राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने थे, पहला एक्टिविटीज उनकी यही थी कि उसको सरेआम फाड़ के फेंका और उसकी बेइज्जती की पूरी तरह से। उस समय मैं उस समय रहा हूं राजनीति क्षेत्र में, एक भी मुझे सीनियर नेताओं का कोई भी उसके समर्थन में बयान नहीं देखा था मैंने, उनकी एक्टिविटीज सब मौन साध लिए थे, क्यों, चाटुकारों ने कहा बहुत वीरता दिखाई, बड़ी ये दिखाई, क्योंकि ये समझ रहे थे कि ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, कितनी बड़ी बचकाना हरकत है और इनको पार्टी का केवल गांधी परिवार का होने के कारण इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। और इसके बाद 10 साल लोगों ने देखते रहे कि इनकी बचकाना हरकतें और खासकर इनकी अदूरदृष्टतापूर्ण बयानबाजी, देश विरोधी बयानबाजी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट पे, और यह अभी चलेगी, बहुत से लोग इससे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज है, जिस तरह की उनकी अदूरदर्शिता है राहुल गांधी की और जिस ढंग से गांधी परिवार के प्रति चाटुकारों का एक उपड़ गया है, उसमें समझदार लोगों की कोई जगह नहीं बची है वहां पर, और इसीलिए वो अलग निकल कर, ठीक है क्या, ठीक है आप कहते हैं दूसरी पार्टी में चले गए, वहां लेकिन वही राहुल गांधी रहे जिन्होंने 2018 में सर आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का आपका किला ढहाया भी था, और वही राहुल गांधी ही थे जब मध्य प्रदेश में भी बाद में भले परिस्थितियां अलग बन गईं, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बनी थी, भले ही आप लोगों से वोट थोड़े कम रहे हैं 47,000, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बनी थी, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर वो अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहते हैं तो दूसरे लोग अध्यक्ष के चेहरे को लेकर एक साथ संपत्ति क्यों नहीं बना पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, जल्दी से, हाँ बोलिए, 39 विधानसभा चुनाव में कितनी हार हारे हैं वो, ये गुलाम नबी साहब ने पत्र में लिख दिया है कि कितने चुनाव हारे हो विधानसभा के, दो दो लोकसभा हार गए
और पहले से ज्यादा परसेंटेज वोट कम हो गया उनका। हाँ। एक नबी साहब गुलाम नबी, मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, आप अपने पत्र देख के पढ़ लीजिए, उन्होंने पूरे आंकड़े लिख के दिए हैं। ठीक है, इसका अखिलेश जी जवाब देंगे। आपकी बात सही है कि लगातार विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन ये भी बात जो आंकड़ा मैं दे रही थी कि एक तरफ मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में उन लोगों ने 2018 में सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, तो इसके लिए जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। अखिलेश जी इसका जवाब देंगे।